मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूँ संजना। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। दिल्ली में तीसरा वेडिंग रिसेप्शन दे सकते हैं कपिल शर्मा। कपिल शर्मा ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गिनी चतरत से जालंधर में शादी की थी। इसके बाद अमृतसर और मुंबई में दो रिसेप्शन भी दिए। अब शादी के डेढ़ महीने बीतने के बाद भी कपिल वेडिंग सेलिब्रेट करने के मूड में ही नजर आ रहे हैं। खबरें हैं कि कपिल दिल्ली में अपना तीसरा रिसेप्शन देने का मन बना रहे हैं, जो कि फरवरी में होगा। कपिल ये रिसेप्शन खासतौर से पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स के लिए देने जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कपिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रिसेप्शन में बुलाने वाले हैं, जिनसे हाल ही में वो मुंबई में नेशनल म्यूजियम ऑफ सिनेमा के उद्घाटन पर मिले थे। कपिल ने मोदी के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते हुए ट्वीट भी किया था, जिस पर मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था, जब कपिल शर्मा किसी के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करें तो खुशी होती है, वह भी कोई अपवाद नहीं, धन्यवाद कपिल। प्रियंका गांधी पर पायल रोहतगी का आपत्तिजनक बयान। प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया है और उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने के ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर भी इस बारे में खूब घमासान हो रहा है। जहां समर्थक उन्हें इंदिरा गांधी का अवतार कह रहे हैं, वहीं विरोधी भी उनकी तुलना इंदिरा से करके पूछ रहे हैं कि क्या फिर से आपातकाल लगेगा। इस घमासान में अब एक्ट्रेस पायल रोहतगी भी कूद पड़ी है। पायल ने अपनी एक तस्वीर के साथ पोस्ट में प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर सवाल उठाए। पायल के इस पोस्ट पर देखते कई कमेंट आने लगे, लेकिन बात तब बढ़ गई जब एक कमेंट के रिप्लाई में पायल ने प्रियंका को लेकर आपत्तिजनक बात कह दी। बता दें कि पायल ने प्रियंका गांधी की तुलना पॉर्न स्टार सनी लियोनी से की। पायल के ऐसे बोल के बाद ट्विटर यूजर्स बरस पड़े। उनके कमेंट पर लोग उनकी आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि एक औरत होकर एक औरत के बारे में वो ऐसा कैसे बोल सकती हैं। लोगों का कहना है कि वो ये सब लाइमलाइट में आने के लिए कह रही हैं। कंगना रनौत संग काम करने को तैयार है करण जौहर। पिछले साल कंगना रनौत और करण जौहर के बीच नेपोटिज्म को लेकर विवाद हो गया था। कंगना ने करण पर उनके शो कॉफी विद करण में जाकर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस ने करण जौहर को मूवी माफिया और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला बताया था। इसके बाद दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जो काफी वक्त तक जारी रहा। लेकिन अब मतभेद को दरकिनार करते हुए करण ने कहा कि उन्हें कंगना के साथ काम करने से एतराज नहीं है। करण जौहर ने कहा, अगर भविष्य में कभी मैं फिल्म डायरेक्ट करूंगा और कंगना के मुताबिक कोई रोल मुझे नजर आएगा तो मैं जरूर उनके साथ काम करूंगा, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे विचार में जो फिल्में मैं डायरेक्ट कर रहा हूं उनमें कंगना के लिए कोई स्कोप नहीं है। करण ने कहा, कोई भी डायरेक्टर मेरे पास कंगना को कास्ट करने की इच्छा लेकर नहीं आया है, इसलिए अभी तक मैंने कंगना को कास्ट नहीं किया है। किसी लीड एक्टर ने कंगना को लेने की बात नहीं की, बस इसलिए कि हमारे बीच आपसी मतभेद है। इसका ये मतलब नहीं कि हम साथ में काम नहीं करेंगे। पिता के सामने 16 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ नजर आई सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन इन दिनों बॉयफ्रेंड रोमन शॉल से अफेयर को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। अक्सर ये दोनों एक साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। सुष्मिता सेन इन दिनों कोलकाता में हैं, जहां पर वो एक फैशन शो में हिस्सा लेने गई थीं। इस दौरान सुष्मिता ने रेस्टोरेंट की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके साथ पिता और बॉयफ्रेंड दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को सुष्मिता सेन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसके साथ ही एक खूबसूरत कैप्शन भी दिया। सुष्मिता सेन ने लिखा, बेहतरीन कंपनी, अच्छी बातचीत रही फिलीपींस के शेफ के साथ, हम लोगों को खाना बहुत अच्छा लगा और अरेंजमेंट भी। मेरे पिता उन तीन लोगों के साथ थे जो बहुत बातें करते हैं, कियाना इमोड, रोमन शॉल और मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। सुष्मिता सेन आशीष एंड सोनी के फैशन शो में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता आई थी। इस दौरान उनके साथ पिता और बॉयफ्रेंड भी दिखे। इतने बड़े आदमी को सामने देख हैरान रह गए बिहारी बाबू। बिग बॉस 12 से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले दीपक ठाकुर की इन दिनों खूब चर्चा है। दीपक बिग बॉस 12 के टॉप 3 फाइनलिस्ट में से एक थे। शो के दौरान वो अपनी सादगी और मस्खरी बातों से दर्शकों को एंटरटेन करते रहे। दीपक सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। इस बीच उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर कर एक बार फिर से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बीते दिनों दीपक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2018 मिला था, लेकिन दीपक की खुशी का ठिकाना तब नहीं था जब सफर के दौरान उनकी मुलाकात पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से हुई। दीपक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, एक तो हवाई यात्रा, उसमें भी बगल में माननीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सर हों तो कितने सौभाग्य की बात है, समझ सकते हैं। विमेंस डे पर मैराथन का हिस्सा बनेंगे अक्षय कुमार।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार मासिक धर्म की वर्जनाओं से निपटने के मकसद से राष्ट्रव्यापी रन फॉर नाइन मैराथन के लखनऊ संस्करण में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को पूरे भारत के 500 शहरों में मैराथन आयोजित की जाएगी। एक बयान में कहा गया कि रन फॉर नाइन अपने राष्ट्रव्यापी हैशटैग 18282 अभियान का विस्तार कर रहा है, जो कि नाइन मूवमेंट द्वारा शुरू किया गया। अक्षय यहां रन फॉर नाइन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अनूठे देशव्यापी अभियान को शुरू करने के अलावा अक्षय एक विशेष कार्यक्रम का भी हिस्सा होंगे, जहां मेहमानों का मनोरंजन किया जाएगा और मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता के महत्व के बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अक्षय ने कहा, जब मैंने फिल्म पैडमैन बनाई थी तो मैं इसके बातचीत का हिस्सा बन जाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन आज एक साल बाद मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये एक अभूतपूर्व आंदोलन बन गया है। वास्तव में जमीनी स्तर पर ऐसा हुआ है। मौसी करिश्मा कपूर के साथ घूमने निकले तैमूर अली खान। पैदाइश के साथ लाइमलाइट में बने रहने वाली एक्ट्रेस करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान की लेटेस्ट तस्वीरें उनकी मौसी करिश्मा कपूर के साथ सामने आई हैं। हाल ही में करीना कपूर की बड़ी बहन करिश्मा कपूर अपने भांजे को आउटिंग के लिए लेकर गईं। इस दौरान तैमूर एक कागज और कलर से खेलते दिखाई दिए। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, तैमूर के हाथ में कागज और कलर देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। करिश्मा अक्सर ही तैमूर को खिलाती और घुमाती स्पॉट की जाती हैं। सोनम की शादी में आनंद आहूजा के जूते नहीं खोज पाई स्वरा भास्कर। सोनम कपूर की अपकमिंग फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा 1 फरवरी को रिलीज होगी। पिछले दिनों प्रमोशन के लिए फिल्म की पूरी स्टार कास्ट द कपिल शर्मा शो में पहुंची। अनिल कपूर, जूही चावला, सोनम कपूर, राजकुमार राव की मौजूदगी से शो में दर्शकों को एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज मिला। सोनम कपूर ने कपिल के शो में अपनी शादी से जुड़े मजेदार किस्से सुनाए। उन्होंने एक दिलचस्प वाक्या शेयर करते हुए बताया कि आनंद आहूजा ने जूता चुराई की रस्म के दौरान काफी स्मार्ट प्ले किया और सालियों को मजा चखाया। बकौल सोनम, मेरी फ्रेंड स्वरा भास्कर ने आनंद के जूते छुपाने की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन आनंद की स्मार्टनेस की वजह से स्वरा जूते नहीं चुरा पाई। फिर भी स्वरा ने आनंद से शगुन के पैसे ले लिए थे। कपिल और सोनम के बीच चूड़े को लेकर भी बात हुई। कपिल ने कहा कि न्यूली मैरिड 45 दिन से पहले चूड़ा नहीं उतार सकती। इस पर सोनम ने कहा, मैंने ट्रेडिशनल चूड़ा पहना था, लेकिन आनंद ने मुझसे पूछा कि तुमने क्या पहना है। फिर मैंने उन्हें परंपरा के बारे में बताया। जवाब में आनंद ने मुझसे चूड़ा उतारने को कहा। उनका मानना था कि चूड़ा मेरे आउटफिट से मैच नहीं कर रहा है। इस दौरान अनिल कपूर ने बताया कि उन्हें सोनम के लिए कभी दूल्हे की तलाश नहीं करनी पड़ी। सोनम कपूर ने कहा, जब मैं आनंद से शादी के लिए पूरी तरह तैयार हुई तब जाकर हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को बताया। आलिया भट्ट के बार बार कॉल करने से परेशान है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपने रिश्ते को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दोनों साथ में ब्रह्मास्त्र की शूटिंग कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही दोनों ने अपने रिश्ते को दुनिया के सामने कंफर्म किया है। हाल ही में रणबीर और आलिया के रिश्ते को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिससे उनके फैंस को झटका लग सकता है। रणबीर और आलिया के रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल रणबीर आलिया के बार बार फोन और मैसेज करने से परेशान होने लगी हैं। आलिया रणबीर का समय चाहती हैं, जबकि रणबीर इस चीज से परेशान हो रहे हैं। आलिया ही अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। आलिया रणबीर के इस बर्ताव से बेहद दुखी हैं। बता दें कि पिछले दिनों आलिया और रणबीर की सगाई की खबरें आई थी। रणबीर के परिवार को आलिया पसंद है। रणबीर की मां नीतू सिंह अक्सर आलिया के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि नीतू कपूर ने ही अपने बेटों को आलिया के साथ सगाई करने के लिए मनाया। वहीं रणबीर और आलिया अभी शादी के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि पहले उनकी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हो जाए, इसके बाद वो इस बारे में सोचेंगे। वहीं नीतू कपूर चाहती थी कि कम से कम दोनों इस साल सगाई कर लें। समीर के बेटी के रिसेप्शन पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। बॉलीवुड में शादियों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। दीपिका, प्रियंका समेत कई सेलिब्रिटीज के बाद अब 90 के दशक के मशहूर गीतकार समीर अंजान की बेटी सुचिता की शादी हुई, जिसके बाद मुंबई में भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया। रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज पहुंचे और नए नवेले जोड़े को शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड के पावर कपल अमिताभ बच्चन और जया बच्चन समीर की बेटी को शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस दौरान जया बच्चन ने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी, तो वहीं बिग बी ने व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा के साथ ब्लैक कला जैकेट पहना था। समीर अंजान, पत्नी अनीता पांडे, सुचिता और उनके पति ने मीडिया के सामने पोस्ट दिए। समीर के बॉलीवुड करियर की बात करें तो हाल ही में लिखा उनका गाना तू खींच मेरी फोटो काफी हिट रहा था। सुचिता ने रेड कलर का लहंगा पहन रखा था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस नए नवेले जोड़े ने पेपराजी के सामने पोस्ट दिए। हिमेश रेशमिया पत्नी सोनिया कपूर के साथ रिसेप्शन अटेंड करने पहुंचे। बता दें कि हिमेश ने बीते साल ही सोनिया से शादी की है। अपने जमाने के दिग्गज एक्टर जितेंद्र समीर अंजान की
बेटी के रिसेप्शन में देखे गए। ब्लैक और ब्लू कलर के सूट में जितेंद्र राज भी उतने ही हैंडसम नजर आ रहे थे। सिंगर अलका याग्निक ने समीर के लिखे कई गानों को अपनी आवाज दी है। दोनों ने 90 के दशक के कई हिट दिए। सालों की दोस्ती के बाद भला अलका याग्निक कैसे नहीं पहुंचती। अनिल कपूर ने इस रेड कार्पेट में पहुंचकर पोज दिए। इस दौरान अनिल कपूर ने कैजुअल लुक अपना रखा था। अनु मलिक पत्नी अंजू के साथ रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे। दोनों ने नए नवेले जोड़े को बधाई दी। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।